हेलो गाइस, तो फाइनली 2 महीने के आसपास, नहीं 75 डेज के बाद मैं आज भुवनेश्वर जा रहा हूँ और 9:30 के आसपास ट्रेन है। तो पैकिंग अभी 7:45 हो गया है, तो पैकिंग जस्ट स्टार्ट किया हूँ, इतना सारा पैकिंग करना बाकी है। और ये मेरा रूममेट है जो चैन की नींद सोया है, थोड़ा भी दया नहीं आ रहा कि रूममेट को हेल्प कर दूँ। अभी 8:15 हो चुका है तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि डिनर यहीं पर ही कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा है, चिकन बिरयानी, तो चलते हैं खा कर आते हैं। तो लंच हो गया, 8:45 भी हो चुका है, अभी पूरा रूम खाली खाली सा लग रहा होगा। ठीक है, 8 दिन के बाद तो वापस आना ही है, फिर से वही रेगुलर लाइफ चलेगा। ठीक है, अभी निकलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। अरे अनुभव, चला मैं अभी निकला भुवनेश्वर। और तू कल जा रहा ना? ठीक है, नहीं नहीं अभी ऑटो नहीं आया, मैं दोस्त के रूम में जा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा लेट हो गया तो डायरेक्ट मैं ऑटो के पास आ गया, अभी ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। ये कुछ मेरा दोस्त है, ये ऑटो पूरा डीजे ऑटो है, हमारे NIT कैंपस के अंदर से एक गवर्नमेंट बस जाता है जो डायरेक्टली भुवनेश्वर को कनेक्ट करता है। मोहनीश आज टे धरी दबो, आज टे धरबो, धरी दबो बैगटा, धर मैं राजा रानी में जा रहा हूँ और मेरा कोच B1 है। तो ट्रेन अभी स्टेशन से छोड़ चुका है और ये बॉगी पूरा NIT राउरकेला से भरपूर है। ये पहले हमारा युवराज है, अंकुश, फिर उसके बाद हमारा ये प्रीतम, फिर आदित्य मित्र, फिर स्वयं, फिर ऊपर हमारा मिलिन है, फिर अंशुमन, फिर रोशन, प्रच्युत गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, बहुत काम है जी। फिर यहाँ पर मधु, राउरकेला अपना फेमस है स्टील प्लांट के लिए। यहाँ पर ट्रेन से RSP दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम नहीं, बट रिकॉर्ड कर लिया हूँ। एक खास चीज नोटिस किया अभी मैं, ये सेम ड्रेस ये अंशुमन भी पहना है, सेम ड्रेस पूरा देखे ना, ड्रेस नथिंग। अभी रात के 11 बज गए, फिर भी हम सोए नहीं, यहाँ पर कुछ किया। दोनों सेक्रेटरी, ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और ये हमारा फिल्म मैन फूल ना कौन फिल्म एंड म्यूजिक सेक्रेटरी। मेरा आईपैड से खेल रहे, मुझे खेलने के लिए नहीं दे रहे, बैड लक।
फाइनली 11:45 हो गया, अभी मैं अपने सीट को आ चुका हूँ और B1 का 32 विंडो के ऊपर है और हमारा ये यहाँ पर बैठे हुए उन्हें भी ऊपर वाला सीट मिला है। आज वही नहा सो कर भी चले जाते हैं। साढ़े चार बजे है, अभी मैं जस्ट शुरू करूँगा तो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम आ गया और 2 घंटे के अंदर ट्रेन भुवनेश्वर में पहुँच जाएगा और ये बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर देता। और अभी कटक स्टेशन पास किया और हमारा चाय पार्टी चल रहा है। तो धीरे पूछना जैसा ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंचा, अभी हम जस्ट पहुंचे। अभी पूरा मतलब 7 बजे से भी इतना धूप हो रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, बहुत धूप है। अरे हाँ मम्मी, देख रहे होगे तो देखो, अगर अभी भी मैं रेंजर में होता तो इसके साथ जाता और युवराज भी उनके साथ। अभी मेरे को बस में अकेला जाना पड़ेगा, बैड लक। अबे मेन केस की मैं मेरा घर नहीं देखा हूँ अभी तक। घर चेंज हो गया, नया घर को जाएंगे, देखते हैं नया एक्सपीरियंस। अभी मैं गवर्नमेंट बस स्टैंड में पहुंच चुका हूँ बट मेरा बस अभी तक नहीं पहुंचा है। वो मूव बस का ऐप में दिखा रहा है कि और 5 मिनट के अंदर आ जाएगा बस, फिर जाएंगे घर को वापस। ये बस पूरा एसी बस है, उसके साथ ये फुल इलेक्ट्रिक है और इसमें माइक में अनाउंसमेंट भी करता है जो स्टेशन आने से। अभी घर पहुंच गया, अभी जाते हैं घर के अंदर।
ये नया घर बहुत अच्छा तो दिखाई दे रहा है, पहले मैं ये मेरा अपने नया घर को कोने कोने से जान लूं, फिर इसका भी एक रूम टूर आने वाला है। पुराने घर से तो बहुत अच्छा है, बट पुराने घर में 12 साल के आसपास रह चुका हूँ, तो मन तो वहीं पर ही है पुराने घर पर। फिर देखते हैं एडजस्ट हो जाएंगे नए घर पर। ऐसे कुछ व्यू है, अभी के लिए देख लो, बाद में इसका एक रूम टूर आने वाला है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। राहुल कला टू भुवनेश्वर कैसे आया, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।